नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने इतिहास को देखा था, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता को देखा था। आज हम देखेंगे वैदिक काल। ठीक है, तो वैदिक काल का जो कालखंड है वो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। कुछ विद्वान इसे 1500 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानते हैं। इसी तथ्य को लेते हैं हम, इसको सबसे ज्यादा पुष्टि अधिकतर लोग इसी कालखंड को मानते हैं, तो हम भी इसी को लेके चलेंगे। तो वैदिक काल, सबसे पहले कालखंड के हिसाब से देख लीजिए। कालखंड के हिसाब से ये है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और कालखंड के आधार पे इसे हम दो भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग्वैदिक काल माना जाता है, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल की जो आयु है वो क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल की कालखंड जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, तो देखिए अब इसके उत्पत्तिकर्ता कौन थे। तो मेनली जो इसके उत्पत्तिकर्ता है आर्य को, ठीक है, आर्यों को इसका उत्पत्तिकर्ता माना जाता है। और जो आर्य शब्द है वो कोई शब्द नहीं है, जबकि वो क्या है, एक भाषा सूचक शब्द है, कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। आर्य जो है वो किसी जाति को दिखा रहा है या किसी एक पर्टिकुलर इंसान को दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। आर्य जो है एक भाषा सूचक शब्द है। क्या है, भाषा सूचक शब्द है। और ये आर्य शब्द का जो सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसने किया था, सबसे पहले मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, आर्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, मैक्स मूलर ने। ठीक है, और जो आर्य का जो अर्थ है उत्तम सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, उत्तम सर्वश्रेष्ठ सज्जन साधु महान सभ्य, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर्य एक जाति सूचक शब्द ना होके एक शब्द सूचक शब्द है। ठीक है, शब्द सूचक शब्द क्या है, आर्य। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्य जो है इसका अर्थ है उत्तम सर्वश्रेष्ठ सज्जन साधु महान सभ्य। ठीक है, तो आर्य जो है वो कोई प्रजाति या नस्ल सूचक नहीं है। ठीक है, अभी हमने कहा था आर्य कोई सी पर्टिकुलर एक कास्ट को या एक स्पेसीज को मतलब नहीं दर्शाता है। ये किसको दर्शा रहा है, आर्य जो है वो एक कोई नस्ल सूचक शब्द नहीं है या कोई प्रजाति सूचक शब्द नहीं है। आर्य क्या है, सिर्फ एक शब्द सूचक शब्द है। आर्य जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, यानी कि संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य। ठीक है, इसका मतलब हुआ महान सर्वश्रेष्ठ या सभ्य। तो सभ्य कौन है, आर्य। आर्य क्या थे, सभ्य थे। सर्वश्रेष्ठ कौन थे, आर्य। और सज्जन कौन थे, आर्य। महान कौन थे, आर्य। साधु कौन थे, आर्य। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर्य कोई जाति सूचक या नस्ल सूचक शब्द नहीं है। आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका जो अर्थ है वो क्या है, सज्जन है सभ्य है महान है। ठीक है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो 33 बार हुआ है। तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है, 33 बार। 33 बार आर्य शब्द यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन होता है, ये जो उत्पत्तिकर्ता जो आर्य हैं ये आए कहाँ से थे। तो इसके अनेक मत है। कुछ लोग कहते हैं कि जो आर्य थे वो भारत के ही थे, भारत से उनकी उत्पत्ति जो है भारत को मानते हैं, और कुछ लोग भारत के बाहर, कुछ लोग आर्य की उत्पत्ति जो है भारत के बाहर मानते हैं, यानी कि आर्य जो थे वो बाहर से आए थे। कुछ लोग मानते हैं कि आर्य जो है वो भारत के ही थे। ठीक है, तो अलग अलग मतों, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि जो आर्य थे वो भारत के कश्मीर से हुए थे, तो एलडी कल्दन ने बोला कि आर्यों की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई थी, कश्मीर से हुई थी। जैसे अविनाश चंद्र ने बोला था कि सप्त सैंधव प्रदेश जो है आर्यों की उत्पत्ति को, सब जो आर्य जो थे वो सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे,
ऐसा किसने कहा है? अविनाश चंद्र ने कहा है। ब्रह्मसी प्रदेश से आर्य जो आए हैं ये किसने कहा है? गंगानाथ झा ने बोला है। और किसी ने बोला कि ये मध्य देश से आए थे, तो राजबलि पांडे ने बोला है कि ये मध्य देश से आए थे। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। कुछ कहते हैं कि जो आर्य हैं वो कहाँ के थे? भारत के थे। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ विद्वान बोलते हैं कि आर्य जो है वो कहाँ के थे? भारत के बाहर से आए थे। ठीक है, तो कुछ जो जो विद्वान कहते हैं कि भारत से जिनकी उत्पत्ति मानते हैं वो आपके एलडी कल्लर है, जिन्होंने कहा कि कश्मीर से आर्यों की उत्पत्ति हुई है। अविनाश चंद ने बोला है कि जो आर्यों की उत्पत्ति है वो सप्त सैंधव प्रदेश से हुई है। ब्रह्मसी प्रदेश से आर्यों की उत्पत्ति गंगानाथ झा ने बोला है। मध्य देश से आर्यों की उत्पत्ति राजबलि पांडे ने बोला है। तो हर किसी के अलग अलग मत हैं, देख लीजिए एक बार। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।